गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुरुकुल के प्राइवेट आईटीआई की इस डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, निर्णय हम कैसे ले सकते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हम डिसीजन कैसे लेंगे, क्या रोल होता है डिसीजन का हमारे लाइफ में, और किसी काम को करने के लिए डिसीजन लेने के लिए क्या क्या हमें एबिलिटी होना चाहिए, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला डिसीजन होता क्या, व्हाट इज डिसीजन? डिसीजन होता क्या है? यह एक प्रोसेस है। डिसीजन क्या है? एक प्रोसेस है किसी काम को पूरा करने के लिए या फिर पॉसिबल सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। और क्या है यह? जो हम कार्य को करेंगे उस कार्य को करने के लिए जो हम एक्शन लेंगे, ठीक है, तो उस एक्शन को हम कैसे कैटेगराइज करके काम करेंगे, यह भी एक तरीका है डिसीजन का। तो सबसे पहला डिसीजन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या है, किसके लिए है, अराइविंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, किसी बेस्ट अच्छे सॉल्यूशन तक पहुंचना ही क्या कहलाता है हमारा, डिसीजन कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। चूजिंग द कोर्स एक्शन, किसी काम को करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं उसको चुनना भी ये क्या कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द एक्शन, वह स्टेप, सीक्वेंस क्या है, स्टेप, वह स्टेप को चुनना जो उस कार्य को कंप्लीट करे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन पहले होता क्या है, यह क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको ढूंढने का एक तरीका है। जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को चुनना यह भी एक डिसीजन कहलाता है, और एक कैटेगराइज करना, स्टेप तैयार करना, यह भी क्या कहलाता है, डिसीजन। स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी भी काम को डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए क्या क्या स्टेप होता है, तो पहला होता है हमारा स्टेट प्रॉब्लम। पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे कि क्या है मेरा प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, उसके क्या क्या विकल्प हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे, इवेल्युएट द अल्टरनेटिव, जो हमारा विकल्प है उस विकल्प को हम क्या करेंगे, एक मानक के रूप में देखेंगे कि यह कितना दूर तक सही है, कितना हमारा कार्य कर सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम मेक डिसीजन, निर्णय लेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट,
डिसीजन। उसके बाद क्या करेंगे हम, निर्णय को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या क्या स्टेप होता है, स्टेट प्रॉब्लम, पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम की पहचान करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो उस कार्य को नहीं करेंगे, सही है तो उस कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, इसके जो विकल्प हैं उसको जानने की चेष्टा करेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम का क्या विकल्प हो सकता है। इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, जो हम तरीका अपना रहे हैं, जो हम विकल्प अपना रहे हैं, उस विकल्प को हम क्या करेंगे, एक मानव रूप में देखेंगे कि वो विकल्प कितने हद तक सही है। मेक डिसीजन, उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उस प्रॉब्लम के ऊपर हम अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। ये क्या है हमारा, डिसीजन मेकिंग। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन, समय प्रबंधन क्या होता है कि हम अपने बहुमूल्य समय को कैसे मूल्यवान बनाएं, वही क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट। बहुतों को आपने देखा होगा कि मोबाइल तो है एंड्रॉयड मोबाइल, क्या कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है गेमिंग खेलने में या फिर सोशल मीडिया में, तो वो क्या है, एक टाइम ऑफ वेस्टेज है, समय का क्या है, दुरुपयोग है या समय का बर्बादी है। उसी को हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग करना हो जाएगा। तो हम समय का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो समय का प्रबंधन हमको क्या सिखाता है, क्या मदद करता है, इट हेल्प्स, यह हमारा मदद करता है किसके लिए, इम्प्रूव इफिशियंसी, हमारी क्षमताओं को क्या करता है, वो बढ़ाता है। प्रोटोटाइज योर एक्टिविटीज फॉर डेली, फॉर ए डे, यह क्या करता है, आपके डेली का जो एक्टिविटी है, जो काम है, उसकी प्राथमिकता को बढ़ाता है। रिमेन डिसिप्लिन या रिमेन फोकस, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को क्या करता है, फोकस करता है। इंस्टॉल डिसिप्लिन, यह अनुशासन को बनाए रखता है। पांचवा, मोटिवेट अदर पीपुल अराउंड योरसेल्फ, मतलब कि अगर आप अच्छे तरीके से समय का मैनेजमेंट कर रहे हैं, समय का प्रबंधन कर रहे हैं, वह क्या करेगा, आपके अंदर की जो आंतरिक क्षमता है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। आपके प्रतिदिन की जो कार्यविधि है उसको भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित करेगा, फोकस करेगा कार्य को करने के लिए। अपने दैनिक जीवन में क्या करेगा, अनुशासन को बनाए रखेगा। हमारा जो काम है वो काम हम अच्छे तरीके से करें, जो हमने अनुशासन सीखा उस अनुशासन को क्या करेगा,
बनाए रखेगा। इसके साथ ही क्या करेगा, आपको दूसरे आदमी जो हैं उसको भी क्या करेगा, प्रेरित करेगा क्या करने के लिए, अनुशासन को मेंटेन करने के लिए। जो आपके आसपास के अगर आप समय का वेस्टेज नहीं करते हैं, समय को अच्छी तरह से उपयोग करते हैं तो क्या करेगा, अपनी लाइफ में सक्सेस होइएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके आसपास के जो आदमी हैं, जो पीपुल रह रहे हैं, वो भी क्या होगा, आपसे इम्प्रूव होगा, उससे क्या होगा, मोटिवेट होगा। ये तो हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट का क्या क्या फायदे हैं। अब हम देखते हैं टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट होता क्या है और कैसे कैसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट करने का मतलब होता है अपने समय, मूल्यवान समय को बर्बाद करना, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट। अगर आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं, 2 साल का कोर्स है, पता चला 2 साल से ज़्यादा 3 साल समय ले लिया, तो वो जो 1 साल का समय आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो 1 साल क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्टेज जा रहा है। उस 1 साल के अंदर में बहुत सारे वैकेंसी आएगी, उसमें आपको अगर आप कंप्लीट करते तो उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए या फिर जॉब लेने के लिए, लेकिन वो समय पर नहीं हो सका, ये क्या कहलाता है, टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट क्या होता है, जनरली 2 तरह का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल जो हम खुद से टाइम को वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या होता है, किसी के वजह से अगर हमारा टाइम वेस्ट होता है तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आएगा, इंटरनल में हमारा आएगा पर्सनल हैबिट, अगर हमारी कुछ व्यक्तिगत आदतें हैं उससे भी हमारा समय बर्बाद हो सकता है। अगर हम समय पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, हमारा समय वेस्ट होगा, समय बर्बाद होगा। गॉसिपिंग क्या होता है, गपशप, गप्पे मारना, 4 आदमी बैठ गए हैं एक पास और गप्पे मार रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। पुअर कम्युनिकेशन, अगर हमारा बोलने की क्षमता कमज़ोर है तो उससे भी हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। दैट मीन्स कि अगर हमारा कुछ पर्सनल हैबिट है, कुछ व्यक्तिगत ऐसी आदतें हैं जिसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए समय पर निर्णय ना लें तो उससे भी हमारा समय बर्बाद होता है, समय वेस्ट होता है। गॉसिपिंग, अगर हम गप्पे कर रहे हैं एक साथ, 4 इकट्ठा 5 इकट्ठा होके गप्पे लड़ा रहे हैं, तो उससे भी हमारा समय बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट जाता है। पुअर कम्युनिकेशन, अगर हम किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं और हमारा अगर कम्युनिकेटिंग स्किल कमज़ोर है या पुअर है तो हम उसको बताने में क्या करेंगे, और सक्षम रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा वो उसको हम बताने में, तो उससे भी क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। ये तो हो गया इंटरनल, जो हमारे अंदर में कमियां हैं जिस कमी से हम टाइम को वेस्ट को कर सकते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, टू मैनी मीटिंग, अगर हम दिन में बहुत ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं कंपनी एम्प्लॉयज के साथ, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मीटिंग हम अरेंज कर रहे हैं, मीटिंग में ही जा रहे हैं, उससे भी हमारा टाइम लॉस्ट हो, बर्बाद होता है। तो वो क्या है, एक्सटर्नल, किसी के द्वारा हम उस अपने समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल। तो बहुत ज़्यादा मीटिंग ले रहे हैं तो उससे हो रहा है। इंटरप्शन,
इंटरप्शन क्या होता है, हम किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें अगर कोई रुकावट डाल देता है, उस कार्य को करने के लिए कोई अगर बाधा डालता है, उससे भी क्या होता है, हमारा समय वेस्ट जाता है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में कोई आके बाधा डाल दिया, नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, नहीं करने देंगे, तो उससे भी क्या होता है, हमारा समय बर्बाद जाता है। सफरिंग द इंटरनेट, इंटरनेट नेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना भी क्या होता है, समय का बर्बादी है। आप पढ़ने के समय में YouTube निकाल के हम मूवी वगैरह देख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया Facebook Twitter जो भी है उसको चला रहे हैं, पता नहीं कितने समय से चला रहे हैं, चलते जा रहा है, चलते रहे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जहाँ तक हमको 1 घंटे के लिए काम करना है वो हम 2 घंटे एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है कि हम समय का वेस्टेज कर रहे हैं। एक चीज़ और, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लेते हैं आप किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी कंपनी में इन्वॉल्व हैं, किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका लंच का टाइम हो गया है, लंच का टाइम हो गया है और आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के ही काम किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, आप लंच के टाइम में काम कर रहे हैं, ये आपका लंच खाना खाने का समय है लेकिन आप ऑफिस में बैठ के काम किए जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उस समय को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लंच के टाइम में भी आपको काम करना पड़ रहा है, इसी को बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में दो चीज़, टाइम मैनेजमेंट जो होता है हम आपको बताएं कितने तरह का होता है, और टाइम वेस्ट के दो चीज़ होते हैं, एक इंटरनल होते हैं एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल जो हम खुद से समय को बर्बाद करते हैं उसको इंटरनल बोलेंगे, किसी के द्वारा अगर समय बर्बाद होता है तो उसको हम एक्सटर्नल बोलेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।